जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में खेला गया है बड़ा खेल। जी हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ पाएंगे क्या है पूरा मामला। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। कुछ राज से इस कदर पर्दाफाश हुआ है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ, आपके लिए पूरी खबर लेकर आई हूँ, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। काजल राघवानी और खेसारी लाल के विवाद को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सच मान लिया है, और कहीं ना कहीं ये सच है या झूठ यह हम नहीं जानते। लेकिन कल एक खबर आई जिसमें जहां काजल राघवानी जी ने पवन सिंह की काफ़ी तारीफ की थी, यह कहा था कि पवन सिंह के कारण ही आज वह सुपरस्टार है। लेकिन कल एक खबर आई जिसमें यह बताया जा रहा है कि खेसारी लाल ने काजल राघवानी को फिर से फिल्म में काम करने के लिए कहा है। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा सिंह ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हर कोई काम के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कहीं ना कहीं सभी एक दूसरे पे टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि पवन सिंह अभी तक इस पे कुछ नहीं कहा है। वहीं खेसारी लाल और काजल राघवानी फिर से एक साथ आने वाली चर्चा में तुल पकड़ी, तो सब ये कह रहे हैं कि कुछ लोग फेमस होने के लिए विवाद करते हैं। जी हाँ, ऐसा विवाद इसलिए किया जाता है कि उनकी जब फिल्म आए तो फिल्म चले, और जल्द ही पवन सिंह और काजल राघवानी की फिल्म की बात भी चल रही थी, लेकिन अभी तक उस पर कुछ पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन हम आपको बता दें कि खेसारी लाल, जी हाँ, खेसारी लाल और काजल राघवानी की एक फिल्म आने वाली है जिस फिल्म का नाम है लिट्टी चोखा, जो कि खेसारी लाल के ही जीवन पे बनी है फिल्म। उस फिल्म के रिलीज़ के पहले ही यह हंगामा हो गया, तो क्या यह पब्लिस्टिक स्टंट थी या ये लोगों में सच में विवाद हुआ है। अक्षरा सिंह ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन आपको बता दूं कि अक्षरा सिंह, पवन सिंह, काजल राघवानी सभी की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है कि कुछ ना कुछ तो बातें सामने आएगी। लेकिन पवन सिंह अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, इन सब बातों पे ध्यान नहीं दे रहे। फिर से देखा जाए तो इंडस्ट्री में एक खेल खेला गया है, और यह खेल कितना सच है कितना झूठ यह हमें नहीं पता है, लेकिन खेल तो खेल खेला गया है। जैसे ही हमें इस पर और भी कोई रिपोर्ट मिलती है, हम आपके लिए न्यूज़ लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।